सत श्री अकाल जी, सुरखा टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत कौर। शुरुआत करते हाँ हूँ तक दाज़ा व्डिया खबरों को। सूबे में निजी सैक्टर दौकरियों में पंजाबियों नहीं दी जाएगी पहल, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया इनकार। पंजाब के सरकारी दफ्तर मां बोली की अणदेखी करने वाले की आएगी शामत, पंजाबी भाषा एक्ट के अनुसार उदिया तारावान के अनुसार की जाएगी कार्रवाई। कोरोना के वादे खतरे के मद्देनजर पंजाब दे विच अज तो मुड़ हुई सख्ती, कैप्टन सरकार ने जारी की नवी गाइडलाइन, उलंघना करने वाले ते होगी FIR दर्ज। श्री दरबार साहिब लंगर दे विच वरते जाने वाले देसी घ्यो लैके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिता वड्डा बयान, दसांगे की कहना है कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस मामले में। प्रसिद्ध बेबाक पंजाबी सिंगर अनमोल गगन मान हुई आम आदमी पार्टी विच शामिल, भगवंत मान दा देवेगी साथ। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किसानों वास्ते किया वड्डा ऐलान, हुण सारियां सब्जियां ते फलां उत्ते सबसिडी का मिलेगा लाभ, दसांगे विस्तार दे नाल पूरी जानकारी कि किस योजना के तहत किसानों नूं इह लाभ मिलेगा। नवे वाहन खरीदन वालियां वास्ते सरकार ने जारी किया एक नवा हुक्म, इस बारे भी देवांगे जानकारी। अमरीका विच सिख भाईचारे ने पंजाब दे वातावरण अते सिख्या खेत्र दे विकास वास्ते खादी सौं पेश कर रहे ने अनोखी मिसाल। भारत सरकार ने खेती विच वरते जाण वाले 27 कीटनाशकों उत्ते पाबंदी लगाउण दा कीता अहम फैसला, इस बारे भी विस्तार दे नाल जानकारी देवांगे कि कीड़े कीटनाशकों उत्ते पाबंदी लगाई जा सकती है। हुण जानदे हां खबरां विस्तार दे नाल। सूबे विच निजी सैक्टर दीआं नौकरियां विच पंजाबियों नूं पहल दित्ते जाण दे फैसले तों पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इनकार कर दिता है। मुख्यमंत्री ने एतवार नूं सोशल मीडिया ते रूबरू हुंदे होए कहा कि पंजाब विच निजी सैक्टर दीआं नौकरियां विच पंजाबियों नूं पहल नहीं दित्ती जाएगी। दरअसल लाइव प्रोग्राम दे दौरान उन्हां तों किसे व्यक्ति ने सवाल पुछिया सी कि हरियाणा दी तर्ज उत्ते पंजाब दे निजी सैक्टर विच वी पंजाब दे लोकां नूं ही पहल मिलनी चाहीदी है, पर इस उत्ते मुख्यमंत्री ने यह दलील दे के पल्ला झाड़ लिया कि असी देश के दे किसी भी बाशिंदे की नौकरी विच रुकावट नहीं बन सकते, इस संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। पंजाब दे लोग भी देश भर के कई सूबों के रह रहे हैं ते नौकरियां कर रहे हैं, किसी सूबे दे विच इस उत्ते इस संबंध में कोई पाबंदी नहीं लाई गई। उन्होंने कहा कि असी होरना सूबों के नौजवानों नूं पंजाब दे विच नौकरियां लैण तों नहीं रोक सकते। हरियाणा सरकार ने पिछले दिनी निजी सैक्टर दीआं नौकरियां विच सूबा वासियों नूं 75% राखवांकरण संबंधी ऑर्डीनेंस पास जारी किया है, जिस बारे कैप्टन का कहना है कि उन्हां दी नज़र विच हरियाणा का फैसला अदालतों की पड़चोल विच खरा नहीं उतर पाएगा। इस तों इलावा गैंगस्टर विकास दुबे जिन्हों के यूपी दे विच एनकाउंटर विच मार दिता गया सी, जिहदा एनकाउंटर कर दिता गया सी, इस संबंध विच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि हालांकि वो इस मुद्दे उत्ते टिप्पणी नहीं कर सकते, पर कांग्रेस के वल्लों इस संबंध में जांच की जिहड़ी मंग की जा रही है वह बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि सच सब दे सामने आना चाहिए है। सूबे के उचेरी सिक्ख्या ते भाषा मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ने एक बार फिर तो सारे सरकार दे नाल संबंधित अदारियां ते विभागों नूं सख्ती दे नाल ये कहा है कि पंजाब सरकार दे वल्लों नाम पट्टियां मील पत्थर साइन बोर्ड लिखण समय सब तो पहला उपरले वाले पासे उत्ते पंजाबी भाषा यानी कि गुरमुखी लिपि विच लिखे जाण संबंधी हदायतों की सही तरह पालना करनी यकीनी बनाई जाए। दस दिए कि पंजाब सरकार दे वल्लों मां बोली पंजाबी दे प्रसार अते प्रचार वास्ते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई विच ए अहम फैसला लिया गया सी, जिस दे अनुसार राज सरकार दे जिन्ने भी सरकारी दफ्तर या अदारे विभाग या फिर कोई भी बोर्ड या निगम विद्यक संस्थावां सब दे नाम अते इत्थों तक कि सड़कां दे नाम पट्टियां मील पत्थर साइन बोर्ड ये जिन्हें भी आ सब नूं लिखण समय सब तो पहला उपरले पासे पंजाबी भाषा दे विच लिखे जाना यकीनी बनाउण संबंधी हुक्म जारी किए गए सन। भाषा मंत्री ने नाल ही यह दस्या कि इस संबंध में समय समय से समूह विभागों के मुखियों नूं हदायतां भी जारी कीतियां गईयां ने, उन्हां पंजाबी भाषा संबंधी एक्ट नूं सख्ती नाल लागू करन दीआं हदायतां जारी करदिआं कहा है कि अजिहा ना करन वालिआं दे खिलाफ इस एक्ट दीआं धारावां दे अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इहदे नाल ही उन्होंने लोगों नूं अपील की है कि जेकर किसी विभाग बोर्ड कारपोरेशन विच लगे बोर्ड नाम पट्टी या फिर मील पत्थर दे शब्द जोड़ दुरुस्त ना होने की सूचना किसी भी व्यक्ति को मिलती है तो वह इस संबंध में डायरैक्टर भाषा विभाग पंजाब पटियाला के ईमेल पते उत्ते सूचना दे सकता है। पंजाब दे विच लगातार वध रहे कोरोना मरीजों की गिनती के मद्देनज़र पंजाब सरकार के वलों पंजाब विच एक बार फिर तो सख्ती
कर दी गई है। इस विच समाजिक जनतक ते परिवारक समागमां उत्ते होर पाबंदियां लगाईआं गईआं ने। कैप्टन ने कहा है कि पंजाब नूं मुंबई दिल्ली वर्गा बनन नहीं देवांगे। सरकार दीआं ताज़ा गाइडलाइनस दे मुताबक व्याह समागम दे विच महज 30 लोग ही हिस्सा लै सकणगे। दस दईए कि इस तों पहलां जो हदायतां जारी कीतीआं गईआं सी उन्हां दे अनुसार 50 लोगों नूं व्याह विच शमूलियत करन दी मंजूरी दित्ती गई सी। नियमां दे विच हुण इह साफ तौर उत्ते कह दित्ता गया है कि व्याह विच ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 30 ਲੋਕ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ FIR ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ IIT ਚੇਨਈ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਗੇਜ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਕਰਕੇ 5100 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਵੰਡੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਖਤਾ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮਕਾਜਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਆਦਿ ਪਰੋਸਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਲੀ ਲੈਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਤੁਲੀ ਲੈਬ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ SIT ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਖੇਡ ਕੇ ਬਚਣ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਸਕੀਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਘਿਓ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੋਰ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਖਾਲਸਾ ਘਿਓ ਹੀ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਦਾਰਾ ਮਿਲਕ ਫੈਡ ਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
इस खरीद के नाल पंजाब दे किसानां नूं सहायक धंधा जो कि डेयरी के तौर उत्ते है उस विच वी उन्हां दा मुनाफा जिहड़ा उह वधेगा। दस दईए कि वेरका दा दुध घिओ महंगा होण दा हवाला दिंदे होए श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने वेरका नूं कैंसल करके लंगरां वास्ते जिहड़ा देसी घिओ आ उह महाराष्ट्र तों मंगवाया जा रिहा है, जिस नूं लै के हुण सियासत गरमाई होई है, विवाद छिड़िया होया है। उधर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों देश को आत्मनिर्भर बनाने वास्ते कई स्कीमों का ऐलान किया। इसे आत्मनिर्भर तहत सब्जी ते फल काश्तकारां वास्ते फूड मंत्री ने हुण किसानां वास्ते वड्डा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हुण सारियां सब्जियां ते फलां उत्ते सबसिडी का किसानां नूं लाभ मिलेगा, जिसके तहत मंत्रालय वालों उत्पादन खेत्र तो वड्डे खपत केंद्रां तक फसलों की आवाजाई के नाल भंडारण वास्ते भी 50% तक की सबसिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों से संबंधित संस्थानों नूं आत्मनिर्भर भारत की इस लाहेवंद योजना का लाभ लेना चाहिए है। इस संबंधी हरसिमरत बादल ने अपने फेसबुक उत्ते पोस्ट पा के जानकारी सांझी की है। उन्हों का कहना है कि फल ते सब्जियां दे काश्तकारां नूं तालाबंदी कारण पैदा हुई दिक्कतों तो बचाउण, फसलों की कटाई तुड़ाई तो बाद होने वाले नुकसान को घटाने वास्ते फूड प्रोसैसिंग उद्योग मंत्रालय की ऑपरेशन ग्रीन स्कीम नूं टमाटर प्याज ते आलू दियां फसलां तो वधा के फलां ते सब्जियां दियां सारियां फसलां नूं इस अधीन लै लिया गया है। पहला सिर्फ टमाटर आलू ते प्याज ते सबसिडी मिलती सी, पर हुण सारियां सब्जियां ते फलां उत्ते इस सबसिडी का लाभ किसानां नूं मिलिया करेगा। प्रसिद्ध बेबाक पंजाबी गायिका अनमोल गगन मान ने सोमवार को सियासत में पैर धरते हुए आम आदमी पार्टी का झाड़ू फड़ लिया है। अनमोल गगन मान लोकसभा मैंबर ते आप नेता भगवंत मान की हाजिरी में पार्टी में शामिल हुई। इस मौके अनमोल गगन मान ने कहा कि उन्होंने पंजाब दे विच देखा है कि परिवारवाद की सियासत चल रही है, पर आप पार्टी दे विच उन्होंने अजिहा कुछ नहीं दसिया क्योंकि यह जिहड़ी पार्टी है सिर्फ लोगों के हकों की आवाज़ चुक रही है। इस दे नाल उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी जिंदगी पंजाब वास्ते समर्पित है। उन्होंने कहा कि वो सियासत दे विच काफ़ी देर तो आना चाहती सी पर कोई प्लेटफॉर्म उन्होंने नहीं सी मिल रहा अते उन्होंने आप दे वल्लों लोकां लई कीते जा रहे कामां तो प्रभावित होकर पार्टी दे विच शामिल होण दा हुण फैसला किया है। इस मौके भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी विच शामिल होण वास्ते किसी नूं भी अपना खिता छड्डन दी लोड़ नहीं है। उन्हां वल्लों इह गल उस समय कीती गई जदों पत्रकारां ने अनमोल गगन नूं इह सवाल कीता सी कि की उह पार्टी नूं ज्वाइन करन तों बाद अपनी कलाकारी नूं अपने किते नूं छड्ड देणगे, तां भगवंत मान ने कहा कि यह व्यक्ति उत्ते निर्भर करता है कि उसने पार्टी नूं किन्ना समां देना है ते पार्टी दे विच शामिल होण तों बाद किसे नूं भी अपना किता छड्डन दी लोड़ नहीं है। उधर भारत सरकार ने देश भर दे विच वाहनां दी रजिस्ट्रेशन जां फिर फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करन मौके फास्टैग दा वेरवा दर्ज करना लाजमी कर दिता है। मंत्रालय ने NIC नूं लिखे पत्र जिस दीआं कापियां सारे राज्यां तों ते केंद्र शासित प्रदेशां नूं भी भेजीआं गईआं ने, उन्हां दे विच कहा गया है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन नूं वाहन पोर्टल दे नाल जोड़न दा काम मुकम्मल हो गया है। वाहन सिस्टम नूं फास्ट टैग बारे पूरी जानकारी हुण VIN यानी कि व्हीकल पछाण नंबर अते VRN यानी कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर राही मिल जाती है। मंत्रालय ने बयान दे विच कहा कि कौमी परमिट तहत चलण वाले नवे वाहनों की रजिस्ट्रेशन ते वाहनों वास्ते फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने मौके फास्टैग का वेरवा दर्ज करना यकीनी बनाया जाए। चेते रहे कि सरकार ने साल 2017 दे विच M&N श्रेणी के वाहनों की विक्री मौके ही नवे वाहनों उत्ते फास्टैग लाना लाजमी कर दिता सी। भारत सरकार ने खेती विच वरते जाने वाले 27 कीटनाशकों उत्ते पाबंदी लगाउण दा एक अहम फैसला किया है ते इस वास्ते 14 मई 2020 नूं एक खरड़ा नोटिफिकेशन जारी भी किया गया है। सरकार ने लोगों नूं इस ते विचार वटांदरे ते विचार देने वास्ते 45 दिनों का समा दिता है। जिवें कि उम्मीद की जा रही है कीटनाशक उद्योग अपनी पूरी ताकत दे नाल इस नोटिफिकेशन के विरुद्ध पैरवी कर रहा है। हैरानी की गल यह है कि रसायण अते खाद मंत्रालय ने भी खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय नूं पत्र लिखा है, जिस विच लगभग उसे भाषा दे विच इस कदम का विरोध किया गया है जिस तरह उद्योग इसके विरुद्ध है। उद्योग का दोष यह है कि सरकार का यह फैसला जल्दबाजी दे विच लिया गया है जिन्हां ते पाबंदी लगाई गई है। प्रस्तावित 27 कीटनाशकों के 4 कार्बोसल्फान, डाइकोफोल, मैथोमाइल अते मोनोक्रोटोफॉस ने जो कि पहला ही बहुत ज़्यादा जहरीले होने करके रेड श्रेणी के विच ने। इन्हां विचों मोनोक्रोटोफॉस एक दवाई है जिदे नाल 2017 दे विच महाराष्ट्र के यवतमाल, नागपुर, अकोला ते अमरावती विच कई किसानों की मौत हो गई सी ते कई लोग सैकड़े लोग
इसका छिड़काव करते हुए बीमार हो गए। इस जहरीली दवाई के अवशेषों में मिलावट कारण 2013 बिहार के एक स्कूल में मिड डे मील खाने तो बाद दर्जना बच्चे बीमार भी हो गए सन। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ते विश्व सेहत संगठन लंबे समय तो इस खतरनाक दवाई नू बंद करने की सिफारिश कर रही ने, पर इसके बावजूद भी इस सालों तो भारत दे विच पैदा होंदी आ रही है। तो ये सारे कीटनाशक ने जिन्हों उत्ते अमरीका ते यूरोप के बहुत सारे देशों दे विच बहुत समा पहला ही पाबंदी लग चुकी है। अमरीका विच सिख भाईचारा पंजाब दे विकास खास करके सिक्ख्या ते वातावरण खेत्र विच काम करके एक अनोखी मिसाल पैदा कर रहा है। उगे सिख अमरीकी कारोबारी गैरी गरेवाल ने पिछले हफ्ते अमरीका विच भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू दे नाल कम्यूनिटी की पहली वर्चुअल मीटिंग तो बाद PTI नूं इह दस्सिया है कि अमरीका विच सिख पंजाब दे विकास वास्ते निवेश करन वास्ते तैयार ने। संधू दे नाल होई वर्चुअल मीटिंग विच देश भर तो 100 दे करीब उके सिख नेतावां ने हिस्सा लिया। ते नाल ही गरेवाल ने यह भी कहा कि परमात्मा ने सानू इत्थे इन्नी बरकत दिती है ते सानू ये जिहड़ी बरकत आ दूजियां दे नाल सांझी करनी चाहीदी है। सानू विद्यार्थियों नूं वजीफे देण दी पेशकश करनी चाहीदी है। हर कोई सिख भाईचारे तो जिहड़ी मीटिंग हुई है उस विच शामिल होकर बहुत खुश सी। मीटिंग विच बहुत सारे विचार ते सुझाव सांझे करदे होए गरेवाल ने कहा कि भाईचारे दे बहुत सारे मैंबरां ने पाकिस्तान दे नाल करतारपुर लांघे नूं मुड़ तों खोले जाण दे विचार वटांदरे भी कीते ने। इको सिख दे प्रधान ते सह संस्थापक डॉक्टर राजवंत सिंह ने भी कहा कि इन्हां सुझावां दी ठोस पालना कीती जावे तां जो बहुत सारे लोगों पंजाब विच नौजवान पीढ़ी की बेहतरी वास्ते सकारात्मक योगदान पाने लई शामिल कर सकते हैं। उन्हां कहा कि यह महत्वपूर्ण सी कि विशाल पंजाबी ते सिख डायसोपोरा पंजाब दे मुड़ निर्माण ते राज वास्ते सुनहरे भविख की सिरजना विच जुटे हुए ने। डॉक्टर सिंह दे मुताबक वाशिंगटन स्थित एक चैरिटी संस्था सिख ह्यूमन डिवेलपमेंट फाउंडेशन प्रवासी भारतीयों ने पिछले 20 सालों में पंजाब ते होर गुआंढी उत्तरी भारत के राज्यों में घट आमदनी वाले परिवारों के 7300 विद्यार्थियों उच्च सिक्ख्या वास्ते वजीफे दिते ने। तो इन्हां दे नतीजे काफ़ी रोमांचक रहे हैं क्योंकि बहुते ज़्यादा विद्यार्थी जिहड़े ग्रैजुएट हो चुके हैं उन्होंने वधिया नौकरियां भी मिल चुकी ने। इको सिख ने मौसमी तब्दीली के प्रभावों को घट करने वास्ते भारत के होरना हिस्सों के वधेरे जंगल उगाने की पेशकश भी की है। तो उन्होंने कहा है कि इको सिख ने वातावरण के मुद्दों से पंजाब सरकार दी एजेंसियों नाल मिलकर नेड़ों काम किया है। तो राज सरकार ने पंजाब के हरेक पिंड 550 रुख लगाने के उन्होंने विचार भी अपनाया है। कोलबी कॉलेज की प्रोफेसर ते लेखिका निक्की गुनिंदर कौर ने कहा है कि देश में गुरु नानक देव जी बारे अनजानता है। इस वास्ते उन्होंने जोर दे के कहा कि इस बारे कुछ करने वास्ते कदम चुकना सिख कौम की पहली तरजीह होनी चाहिए है। कोरोना वायरस टीके वास्ते मनुखी ट्रायल का सफलतापूर्वक सिरा कढ़ने वाला रूस पहला देश बनने तो बाद भारत भी कोरोना के विरुद्ध टीकों वास्ते मनुखी क्लीनिकल ट्रायल की शुरुआत करने वाला है। ट्रायल के उद्देश वास्ते पटना विच एम्स ने 18 वॉलंटियर चुने ने जिन्हों उत्ते टीके दे ट्रायल किए जाएंगे। हस्पताल अथॉरिटी टीके दे मनुखी अजमायश अज 13 जुलाई सोमवार तो शुरू कर जा रही है। हुण तक सिर्फ भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड से जेड स्कैडिला फार्मास्यूटिकल कंपनियां दियां देसी विकसित टीका प्रोटोटाइपा नूं भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल तो मनुखी ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक बयान दे विच कहा है कि कोरोना वायरस का टीका कोवैक्सीन 15 अगस्त तक लॉन्च किया जा सकता है। इस वास्ते ICMR ने सारियां कार्रवाइयां नूं समय सिर पूरा करने वास्ते निर्देश भी दिते ने। ते इहदे नाल ही कोरोना की स्थिति बारे गल करिए तां एम्स के डायरैक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने हैरान कर देने वाला एक खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि हुण ये वायरस ना सिर्फ मरीज़ के फेफड़ियाँ ते ही हमला करता है बल्कि मरीज़ के दिमाग गुर्दे ते दिल नूं भी वड्डा नुकसान पहुँचा रहा है। एको समय उत्ते कई अंगा उत्ते हमला कर रहा है। डॉक्टर गुलेरिया के अनुसार हुण यह वायरस बहुत खतरनाक हो गया है। उसने कहा कि पहला असी सोचा कि यह बिल्कुल निमोनिया वर्गा सी, बाद विच वेख्या कि मरीज़ों के खून में जम जाता है। इस कारण फेफड़े ते दिल बंद होने शुरू हो गए ते लोग मरन लगे। ते हुण असी देखते हाँ कि यह मरीज़ के दिमाग उत्ते भी हमला कर रहा है। इस तो इलावा लोगों नूं दिमागी समस्यावां भी हो रही ने। शुरू के असी सोचा सी कि कोई वड्डा मुद्दा नहीं है, पर हुण एक गंभीर समस्या बन के सामने खड़ी हो रही है। इस वास्ते सारे लोगों जो भी सरकार के वालों हदायतें दी जा रही ने उन्हां दी सख्ती दे नाल पालना करना यकीनी बनाना चाहिए है, अपना ध्यान रखना चाहिए है। अज दी खबरों में इन्ना ही, कल दोबारा मिलेंगे। तां तक दे लई धन्नवाद।